टाइगर 3 रिव्यू। आज मैं बात करूंगी टाइगर 3 की द एक्शन स्कोर्स इन लेटेस्ट स्पाई यूनिवर्स चैप्टर। मनीष शर्मा डायरेक्ट्स के साथ सलमान खान, कटरीना कैफ एंड इमरान हाशमी में शामिल क्रैंकिंग सुनाई देने के साथ साथ टाइगर 3 में भी दिखाई देती है। जनवरी में पठान की रिलीज से पहले घोषित फ्रेंचाइजी, यकीनन पहली टाइगर फिल्म सलमान खान अभिनीत एक था टाइगर के साथ शुरू हुई थी 2012 में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें। निर्माता यशराज फिल्म्स का इरादा टाइगर शीर्षकों, टाइगर जिंदा है सहित ऋतिक रोशन के नेतृत्व वाली वॉर 2019 और शाहरुख खान द्वारा संचालित पठान को एक साथ जोड़ने का है। क्या यह विचार तब मौजूद था जब एक था टाइगर की कल्पना की गई थी या बाद में दिमाग में तरंग उठी? उत्तरार्ध टाइगर 3 की घटनाओं का सुझाव देता है। श्रीधर राघवन द्वारा लिखित और मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3 भारतीय एजेंट टाइगर और पूर्व पाकिस्तानी जासूस जोया कैटरीना कैफ के बीच प्रेम गाथा को जारी रखता है। अदृश्य शांति के कबूतर उस जोड़े के ऊपर फड़फड़ा रहे हैं जो पहली फिल्म में मिले थे। दूसरी फिल्म से उनका एक बेटा है और वे अशांत उपमहाद्वीप में शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। दुष्ट पाकिस्तानी एजेंट आतिश इमरान हाशमी अपने देश के प्रधानमंत्री को किनारे करना चाहता है। सिमरन और तख्ता पलट करें। यदि टाइगर को जोया की वफादारी पर संदेह होने लगता है तो वह भी अपने नए बॉस मेनन रेवती की नज़र में संदिग्ध हो जाता है। सलमान खान ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, हालांकि कई जगह ऐसा लगा कि वो एक्टिंग पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टारडम ऐसा है कि वो फिल्म को खींच ले जाते हैं। कटरीना अच्छी है, उनका टॉविल में लड़ाई वाला सीन शानदार है, लेकिन फिल्म में सबसे कमाल की एक्टिंग इमरान हाशमी कर जाते हैं। कहते हैं हीरो की हीरोगिरी तभी निकल के सामने आती है जब विलेन दमदार हो, और यहाँ इमरान ये काम काफी अच्छे से करते हैं और सेकेंड हाफ में फिल्म आपको एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज देती है। शाहरुख का कैमियो ये फिल्म की जान है। हालांकि पठान में सलमान वाला केमियो इससे भी जबरदस्त था, लेकिन शाहरुख और सलमान को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना ये अपने आप में वो सिनेमा है जो हमें सिनेमा के मुरीद होने का एहसास करता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। शाहरुख का ये केमियो ना होता तो शायद इस फिल्म में जान वापस ना लौटती। इस फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, प्रीतम के म्यूजिक में कोई खास दम नहीं लगता है, ऐसा कोई गाना नहीं जो आप थिएटर से गुनगुनाते हुए निकले। कुल मिलाकर दिवाली पर अगर आपको सलमान और शाहरुख एक साथ देखने को मिल रहे हैं तो ये धमाका सिनेमा लवर्स मिस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो सितारे हैं जिन्होंने हमारे सिनेमा को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज वो है।